Hello dear students, welcome to the channel. I hope you all are fine and doing well. Class 5th New Composite Mathematics by R.S. Agarwal solve की जा रही है, जिसमें हमने last video में assessment 19 का question bank 1 solve किया था. आज assessment 19 का question bank 2 solve करेंगे. Question bank volume of solid पे based है. First दिया है यहाँ पर fill in the blanks. To find the volume of a box, we multiply the area of its base by its. तो किसी भी बॉक्स का वॉल्यूम फाइंड करने के लिए हम उसके एरिया में किसका मल्टीप्लाई करते हैं? तो देखिए, एरिया इक्वल टू होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, और वॉल्यूम हमें मालूम है क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट. तो एरिया दे दिया है, यानी लेंथ इंटू ब्रेथ दे दिया है, और इस पर किसका मल्टीप्लाई करेंगे, हाइट का. तो यहां पर हाइट फिल करेंगे. बी में दिया है वॉल्यूम ऑफ ए बॉक्स ऑफ डाइमेंशंस 9 मीटर इंटू 6 मीटर इंटू 3 मीटर. तो वॉल्यूम क्या होगा, इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 9 सिक्स जा 54, 54 थ्री जा 162, और ये डाइमेंशंस मीटर में है, इसलिए वॉल्यूम किसमें आएगा, क्यूबिक मीटर में. वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर. तो क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, साइड इंटू साइड इंटू साइड, यानी 4 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 4. तो ये हो जाएगा 64, यानी सेंटीमीटर में, इसलिए क्यूबिक सेंटीमीटर पहले से लिखा हुआ है. फोर्थ में दिया हुआ है अ टी पैक हैज अ वॉल्यूम ऑफ 2500 क्यूबिक सेंटीमीटर. If its length is 25 centimeter and breadth is 10 centimeter, its height is, इसकी height क्या होगी? अगर volume दिया है, length और breadth दिया है, तो height कैसे निकालेंगे, इसके volume को divide करेंगे length into breadth से. Suppose यहां length और height की होती, breadth पूछता, तो क्या करते हैं, volume को divide करते हैं length और height से. तो जो भी चीज missing है उसको find करना है, तो volume को डिवाइड कर देते हैं उसके अदर डायमेंशन के प्रोडक्ट से. तो जब यहां पर हम इसको डिवाइड करेंगे, वॉल्यूम को लेंथ और ब्रेथ के प्रोडक्ट से, यानी 25 इंटू 10 से डिवाइड करेंगे, तो देखिए यहां पर 25 वन जा 25, और 25 से इसको डिवाइड करेंगे तो 100 आएगा, फिर 10 वन जा 10, 10 10 जा 100. तो लेंथ ब्रेथ सेंटीमीटर में, यानी ये भी क्या आएगा, सेंटीमीटर में, 10 सेंटीमीटर. ई में दिया है अ वाटर टैंक होल्ड 500 क्यूबिक मीटर ऑफ वाटर. एक वाटर टैंक में कितना वाटर आ जाता है, 500 क्यूबिक मीटर. हाइट और ब्रेथ दिया हुआ है, इट्स हाइट इज 5 मीटर एंड ब्रेथ इज 4 मीटर. तो इसकी लेंथ फाइंड करना है, तो लेंथ इक्वल टू क्या होगा, जो भी इसका वॉल्यूम होगा वाटर टैंक का, उसको डिवाइड करेंगे हाइट और ब्रेथ के प्रोडक्ट से, यानी 5 इंटू 4 के प्रोडक्ट जो भी होगा इससे डिवाइड करेंगे. तो ये डिवाइड करते हैं, 5 वन जा, और 500 को डिवाइड करेंगे 5 से, तो 100 आ जाएगा. अब ऊपर न्यूमरेटर में 100 है, नीचे 4 है, तो 4 से डिवाइड करेंगे 100 को, तो यहां पर आएगा 25. तो लेंथ क्या हो जाएगी, 25. अब ये हाइट और ब्रेथ सब मीटर में है, तो ये भी 25 मीटर होगा. एक क्यूबिक मीटर में कितने क्यूबिक सेंटीमीटर होते हैं, तो 10 लाख. इतना आपको याद रखना है. क्वेश्चन टू में दिया है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबाइड ऑफ लेंथ 12 2 बाय 3 सेंटीमीटर, ब्रेथ 8 1 बाय 3 सेंटीमीटर, एंड हाइट 3 बाय 5 सेंटीमीटर. तो क्यूबॉइड की लेंथ, ब्रेथ और हाइट दी हुई है यहां पर, उसका वॉल्यूम फाइंड करना है. तो हमें मालूम है कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट. तो इसको सॉल्व करते हैं, पहले जो वैल्यूज दी है उसको लिख लेते हैं. यहां पे जो डायमेंशन दी है वो मिक्स फ्रैक्शन में दी है, तो इन्हें इम्प्रॉपर में चेंज कर लेते हैं. 12 थ्री थ्री जा 36, और 36 प्लस 2 38 अपॉन 3 सेंटीमीटर.
ऐसे ही ब्रेथ दिया हुआ है 81/3, तो इसको हम इम्प्रॉपर में कैसे लिखेंगे, 8 3 जा 24 और 24 और 1 25/3 सेंटीमीटर, 3 5 जा 15 15 + 3 18 अपॉन 5 और ये सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड होता है लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। किसी भी क्यूबाइड का आपको वॉल्यूम फाइंड करना है तो उसके लेंथ ब्रेथ और हाइट का आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो लेंथ की वैल्यू यहां पे क्या दी है, 38/3 सेंटीमीटर में है तो यहां पे 38/3 लिखते हैं, ब्रेथ की जगह 25/3 और यहां पर हाइट दिया है 18/5 और तीनों सेंटीमीटर में है तो ये क्या हो जाएगा, क्यूबिक सेंटीमीटर, क्योंकि वॉल्यूम किसमें मेजर करते हैं, क्यूबिक में। जैसे एरिया को स्क्वायर मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर में मेजर करते हैं वैसे ही वॉल्यूम को क्यूबिक मीटर या क्यूबिक सेंटीमीटर में मेजर करते हैं। तो देखिए यहां पर डायमेंशन सेंटीमीटर में थे इसलिए हमने क्यूबिक के साथ सेंटीमीटर लिखा। अब इसे सॉल्व करते हैं, देखिए 5 1 जा 5 5 5 जा 25 अब देखिए 3 और 18 दोनों ही 3 से डिजोल्व है, 3 1 जा 3 3 6 जा 18 यहां देखिए 3 1 जा 3 3 2 जा 6 तो इसको सॉल्व करते हैं 38 5 2 जा 10 क्यूबिक सेंटीमीटर और इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 38 10 जा 380 क्यूबिक सेंटीमीटर। ये क्या होगा, दिए हुए क्यूबाइड का वॉल्यूम होगा। हेंस द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबाइड इज 380 क्यूबिक सेंटीमीटर। आइए देखते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ ब्रिक ऑफ डायमेंशंस 21.6 सेंटीमीटर 9.8 सेंटीमीटर एंड 7.4 सेंटीमीटर। तो यहां पर ब्रिक का वॉल्यूम फाइंड करना है, हमें मालूम है ब्रिक का शेप कैसा होता है, क्यूबाइडल शेप होता है, एक क्यूबाइड की तरह होती है और यहां पर डायमेंशन यानी लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों दिया हुआ है। तो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट करेंगे और जो भी प्रोडक्ट आएगा वही क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ द ब्रिक। आइए सॉल्व करते हैं इसे, जो भी डायमेंशन दी है लिख लिया, लेंथ ऑफ ब्रिक इक्वल टू 21.6 सेंटीमीटर, ब्रेथ ऑफ ब्रिक इक्वल टू 9.8 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ अ ब्रिक इक्वल टू 7.4 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ ब्रिक यानी एक क्यूबाइडल शेप का है ये, इसका वॉल्यूम क्या होगा, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। अब लेंथ की जगह लिखेंगे यहां पे 21.6, ब्रेथ 9.8 और हाइट में क्या है 7.4 सेंटीमीटर, तो 7.4 और इनका प्रोडक्ट किसमें आएगा, ये सारी वैल्यू सेंटीमीटर में है तो वॉल्यूम किसमें आएगा, क्यूबिक सेंटीमीटर में। प्रोडक्ट इनका आता है मल्टीप्लाई करने पर 1566.432 क्यूबिक सेंटीमीटर। हेंस वॉल्यूम ऑफ द ब्रिक इज 1566.432 क्यूबिक सेंटीमीटर। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 4, हाउ मैनी ब्रिक्स विल बी नीडेड टू कंस्ट्रक्ट ए वॉल 8 मीटर लॉन्ग 6 मीटर हाई एंड 22 सेंटीमीटर थिक। इफ ईच ब्रिक मेजर्स 25 सेंटीमीटर बाय 11 सेंटीमीटर बाय 6 सेंटीमीटर। तो देखिए यहां पे वॉल का डायमेंशंस दिया है और वॉल को बनाया गया है ब्रिक्स से, ईंटों से बनाया गया है और एक ब्रिक का डायमेंशंस दिया है यानी उसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट दी हुई है। तो कितनी ब्रिक्स का यूज होगा इस वॉल को बनाने में, तो हमें करना क्या है, वॉल का वॉल्यूम को निकालना है और उसको डिवाइड कर देना है वॉल्यूम ऑफ अ ब्रिक से, एक ब्रिक के वॉल्यूम से डिवाइड कर देना है। तो जो भी क्वेश्चन आएगा उतने ब्रिक्स की जरूरत होगी, उतने ब्रिक्स जो है नीडेड होंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ वॉल के लिए। तो आइए सॉल्व कर लेते हैं, पहले जो डायमेंशंस दी हैं लिख लेते हैं उन्हें, लेंथ ऑफ ए ब्रिक 25 सेंटीमीटर, ब्रेथ ऑफ ए ब्रिक 11 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ ए ब्रिक 6 सेंटीमीटर लिख लिया है। वॉल्यूम ऑफ ब्रिक क्या होगा, ब्रिक क्यूबाइडल शेप की होती है तो इसका वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। तो लेंथ की जगह है 25, ब्रेथ की जगह 11,
हाइट की जगह है 6 और ये सभी वैल्यू सेंटीमीटर में है, वॉल्यूम क्यूबिक में लिखते हैं तो क्यूबिक सेंटीमीटर। अब इस ब्रिक से वॉल बननी है तो वॉल का भी डायमेंशन लिख लेते हैं। तो यहां हम देख पा रहे हैं कि ब्रिक्स के डायमेंशन सेंटीमीटर में दिया है, वॉल की थिकनेस भी सेंटीमीटर में दी है, लेकिन लेंथ और हाइट वॉल की मीटर में है, तो इन्हें भी सेंटीमीटर में लिख लेंगे। और मीटर को सेंटीमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करके, तो 8 में 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 800, अब ये सेंटीमीटर हो जाएगा। ऐसे 6 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेंटीमीटर बन जाएगा, 600 सेंटीमीटर। अब हम वॉल का वॉल्यूम फाइंड कर लेंगे, तो यहां पर वॉल्यूम ऑफ द वॉल क्या होगा, लेंथ इंटू हाइट इंटू थिकनेस, तो ये सारी वैल्यूज लिखेंगे, मल्टी प्रोडक्ट इनका फाइंड करेंगे, क्यूबिक सेंटीमीटर में आएगा। अब इस वॉल को बनाने के लिए इतने वॉल्यूम की कितनी ब्रिक्स लगेंगी, तो इसके लिए हम वॉल के वॉल्यूम को डिवाइड कर देते हैं एक ब्रिक के वॉल्यूम से। नंबर ऑफ ब्रिक्स रिक्वायर्ड क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ द वॉल को डिवाइड कर देना वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स से, तो 6 बन जा और 600 को डिवाइड करेंगे तो 100 आ जाएगा, 25 बन जा, 25 4 जा 100, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे 8 इंटू 4 इंटू 22, 11 बन जा 11, 11 2 जा 22, 4 2 जा 8, अब 8 का मल्टीप्लाई 800 में करेंगे तो 6400 आएगा, तो 6400 ब्रिक्स की जरूरत होगी इस वॉल को बनाने में। तो स्टेटमेंट लिख लेते हैं, हेंस 6400 ब्रिक्स विल बी रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट द वॉल। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 5, हाउ मेनी प्लैंक्स ऑफ साइज 2 मीटर बाय 25 सेंटीमीटर बाय 8 सेंटीमीटर कैन बी मेड फ्रॉम ए वुडन ब्लॉक 5 मीटर लॉन्ग 70 सेंटीमीटर वाइड एंड 32 सेंटीमीटर थिक। तो यहां पे प्लैंक्स बनाए जा रहे हैं एक वुडन ब्लॉक से, तो प्लैंक का साइज दिया है, उसका डायमेंशन दिया है 2 मीटर बाय 25 सेंटीमीटर बाय 8 सेंटीमीटर, तो देखिए इसमें लेंथ मीटर में दे दिया तो उसे भी सेंटीमीटर में लिख लेंगे। और इसी तरह वुडन ब्लॉक का भी सारी डायमेंशन को एक ही यूनिट या तो मीटर में लिख लेते हैं या सेंटीमीटर में, तो यहां इसे भी हम सेंटीमीटर में लिख लेंगे। अब कितने प्लैंक्स इससे बनाए जा सकते हैं, तो इसके लिए वुडन ब्लॉक का वॉल्यूम निकालेंगे और उसको डिवाइड कर देंगे एक प्लैंक के वॉल्यूम से, तो हमें नंबर ऑफ प्लैंक मिल जाएंगे जो इस वुडन ब्लॉक से बनाए जा सकते हैं। तो आइए सॉल्व करते हैं इसे, यहां लेंथ मीटर में था इसे भी सेंटीमीटर में लिख लेते हैं, 5 मीटर इक्वल टू कितने सेंटीमीटर, तो मीटर में जो वैल्यू होती है 100 से मल्टीप्लाई करने पे वो सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाती है, तो 500 सेंटीमीटर। अब वुडन ब्लॉक का वॉल्यूम फाइंड कर लेते हैं, क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रिथ इंटू थिकनेस, तो लेंथ 500, ब्रिथ 70 और हाइट ये विद थिकनेस 32, ये सभी वैल्यू सेंटीमीटर में, इसलिए वॉल्यूम क्या होगा, क्यूबिक सेंटीमीटर। इसी तरह प्लैंक का डायमेंशन लिख लेते हैं पहले, साइज ऑफ ए प्लैंक इज 2 मीटर बाय 25 सेंटीमीटर बाय 8 सेंटीमीटर, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 मीटर को हम लिख सकते हैं यहां पे 200 सेंटीमीटर बाय 25 सेंटीमीटर बाय 8 सेंटीमीटर। अब इसका भी वॉल्यूम फाइंड करते हैं, तो क्या होता है, ये जो डायमेंशन दी है इनका प्रोडक्ट ही तो होता है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ ए प्लैंक क्या होगा, जो डायमेंशन होंगी उन्हीं का प्रोडक्ट 25 इंटू 8 और ये आएगा क्यूबिक सेंटीमीटर में। अब कितने प्लैंक्स बनाए जा सकते हैं इस वुडन ब्लॉक से, तो नंबर ऑफ प्लैंक्स क्या होंगे, वॉल्यूम ऑफ वुडन ब्लॉक अपॉन वॉल्यूम ऑफ अ प्लैंक, ये हमने वैल्यू लिख ली है। अब देखिए 100 से डिवाइड करते हैं हम 200 को, तो 100 2 जा 200 और 100 5 जा, अब ये 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 8 को डिवाइड करते हैं 8 1 जा 8 4 जा 32, और ऐसे 2 से डिवाइड करते हैं 2 और 4 दोनों को, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, और ये 5 1 जा 5, 70 को डिवाइड करते हैं
5 से तो 14 आएगा। अब देखिए डिनोमिनेटर में यहाँ 1 है और न्यूमरेटर में क्या 14 इंटू 2, 14 इंटू 2 क्या होता है 28, यानी कि कितने प्लैंक्स बनाए जा सकते हैं 28, यही हम स्टेटमेंट लिख लेते हैं यहां पर। हैंस 28 प्लैंक्स कैन बी मेड फ्रॉम द वुडन ब्लॉक। जो वुडन ब्लॉक दिया था उससे जो प्लैंक का साइज दिया था उस साइज के 28 प्लैंक्स बनाए जा सकते हैं। इसके साथ ही क्वेश्चन बैंक 2 कंप्लीट होता है और साथ ही साथ हमारा असेसमेंट 19 कंप्लीट होता है। तो जो भी बताया गया उसको रिवाइज करिएगा और अपना ध्यान रखिएगा।